हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम तान्या है और आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम कैसे बार चार्ट बना सकते हैं मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करके। और आज की इस वीडियो के हमारे टॉपिक्स होंगे कि सबसे पहले तो बार चार्ट क्या होता है, हम उसे कैसे प्लॉट कर सकते हैं, फिर हम सीखेंगे कि कैसे हम बार चार्ट को डिफरेंट कलर्स के साथ प्लॉट कर सकते हैं, फिर हम सीखेंगे कि कैसे हम बार चार्ट को बना सकते हैं डिक्शनरी और डाटा फ्रेम का यूज करके, और हम ये भी सीखेंगे कि हम बार चार्ट्स को डेट्स के साथ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हम बार चार्ट को बार ग्राफ्स और बार प्लॉट्स के नाम से भी जानते हैं, और मैटप्लॉटलिब में बनाने के लिए इसको हम पाई प्लॉट मॉड्यूल का यूज करते हैं, जो कि मैटप्लॉटलिब का सब मॉड्यूल है। इसको बनाने सीखने से पहले हम समझते हैं कि बार चार्ट होता क्या है। बार चार्ट एक फिगर होती है जो रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट कैटेगरीज को एक रेक्टेंगुलर बार में, और जो इन बार की हाइट या फिर लेंथ होती है वो यूज की जाती है रिप्रेजेंट करने के लिए कैटेगरीज को। और हम ये कह सकते हैं कि बार चार्ट को यूज करके हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कैटेगरिकल डाटा को। और अगर हम इसको मैटप्लॉटलिब में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम बार फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि ये पाइप्लॉट मॉड्यूल का पार्ट है। बार चार्ट बनाने का सिंटेक्स है मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट डॉट बार, और ब्रेसिस के अंदर हम डिफरेंट पैरामीटर्स को पास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन पैरामीटर्स को समझ लेते हैं। पहला पैरामीटर होता है कैटेगरीज। उस पैरामीटर में हम बताते हैं कि हम कौन से कैटेगरी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इसको आप एज ए लिस्ट और एरे भी दे सकते हो। अगला पैरामीटर होता है हमारा हाइट। ये हाइट जो पैरामीटर है ये स्पेसिफाई करती है एक वैल्यू जो कि हर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक नीचे बार ग्राफ का इमेज ऐड किया है। यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे पाइथन एसक्यूएल सर्वर शो हो रहा है। ये हमारी कैटेगरीज है, और जैसे कि ये पता लग रहा है कि ये पाइथन की वैल्यू यहाँ से वाई एक्सिस पे 250 के नियर अबाउट है। तो ये हाइट है, इसका मतलब कि जो हाइट होती है वो एक कैटेगरी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। अगला पैरामीटर है हमारा विड्थ। विड्थ क्या करती है, इस बार की विड्थ को स्पेसिफाई करती है, और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0.8 होती है। अगला पैरामीटर हमारा बॉटम है, जो कि बार्स के बेस को रिप्रेजेंट करता है, और बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये बार ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगला पैरामीटर अलाइन है। अलाइन क्या करता है, यहाँ पे जो आपको टिक्स दिख रहे हैं एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी, ये इन टिक्स को अलाइन करता है। ये अभी यहाँ पे सेंटर में है, हम इनको एज पर भी अलाइन कर सकते हैं। और हमारे पास और भी पैरामीटर्स होते हैं जिनको यूज करके हम अपने बार चार्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आप कलर पैरामीटर यूज करके इन बार्स का कलर चेंज कर सकते हो, एज कलर पैरामीटर को यूज करके इस एज के कलर को चेंज कर सकते हो, लाइन विड्थ पैरामीटर यूज करके एज की विड्थ को चेंज कर सकते हो, और ई कलर पैरामीटर यूज करके अगर आपने एरर बार रिप्रेजेंट की है उनका कलर चेंज कर सकते हो। इसी तरह और भी पैरामीटर्स होते हैं। तो ये तो हमने सीखा कि बार चार्ट क्या होता था और कौन सा फंक्शन यूज करके हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे कोड लिख रखा है जिसको यूज करके हम बार चार्ट बनाएंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम होता है एक लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना। तो उसके लिए मैंने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इंपोर्ट की है और उसका पाइप्लॉट मॉड्यूल इंपोर्ट किया है एज अ पीएलटी। उसके बाद मैंने डाटा डिफाइन किया है। पहला डाटा एज जो मैं एज अ कैटेगरीज लेना चाहती हूँ वो ब्लॉग्स है, उसको मैंने एज अ लिस्ट लिया है पाइथन एसक्यूएल सर्वर। और फिर दूसरा डाटा पॉइंट है हमारा प्लॉट्स, और वहाँ पर मैंने एज अ इंटीजर इसके डिफरेंट नंबर स्पेसिफाई किए हैं। अब है कि मैं बार चार्ट क्रिएट करना चाहती हूँ। बार चार्ट क्रिएट करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया हम बार फंक्शन का यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पर लाइन लिखी है plt.bar, और यहाँ पे मैंने एज अ कैटेगरीज में ब्लॉक्स को पास किया है, और एज अ हाइट आर्ग्यूमेंट में मैंने पोस्ट को पास किया है। उसके बाद मैं अपने चार्ट के ऊपर टाइटल भी ऐड करना चाहती हूँ ताकि हमें पता लगे कि ये बार चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके लिए हमने टाइटल फंक्शन को यूज किया है और यहाँ पे टाइटल पास किया है द पोस्ट इन द डिफरेंट ब्लॉग्स। अब मैं अपने बार चार्ट पे
एक्स एक्सिस पे भी लेबल ऐड करना चाहती हूँ और वाई एक्सिस पे भी, इसलिए मैंने एक्स लेबल का फंक्शन यूज किया है ताकि वो लेबल एक्स एक्सिस पे ऐड हो जाए, और वाई लेबल फंक्शन का यूज किया है लेबल ऐड करने के लिए वाई एक्सिस पे। और मैंने जो लेबल हमने एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे ऐड किए हैं उनका फॉन्ट साइज चेंज करके 15 पे सेट किया है। इस रीजन से मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज पैरामीटर पास किया और उसकी वैल्यू 15 सेट की है। अब हमें उस बार ग्राफ को अपनी स्क्रीन पे शो करना है, इसलिए हमने इस शो फंक्शन को यूज किया। अब मैं एक और बार ग्राफ बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने फिर से एक बार फंक्शन को कॉल किया है और इस टाइम एज अ कैटेगरीज फिर से ब्लॉग्स को रखा है, हाइट पोस्ट को रखा है, पर एक्स्ट्रा पैरामीटर्स पास की है। विड्थ पास की है 0.7 जिससे बार्स की विड्थ चेंज हो जाएगी। बॉटम को स्टार्ट किया है 50 से, इसलिए बॉटम पैरामीटर पास किया है और उसको अलाइन किया है एज पे। और फिर से टाइटल ऐड किया है, टाइटल फंक्शन यूज करके लेबल्स ऐड किए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, एक्स लेबल और वाई लेबल फंक्शन को यूज करके, और लास्ट में फिर से शो फंक्शन यूज किया है प्लॉट को डिस्प्ले करने के लिए। तो अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती हूँ। तो ये नीचे आप देख रहे हैं कि हमें आउटपुट में बार ग्राफ शो हो रहा है। तो पहले केस के लिए ये बार ग्राफ शो हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर टाइटल ऐड है, यहाँ पर एक्स लेबल ऐड है, ये वाई लेबल है एज अ पोस्ट, और ये जो बार ग्राफ है इसकी बाय डिफॉल्ट विड्थ 0.8 है क्योंकि हमने कोई भी विड्थ यहाँ पे सेट नहीं की है। नेक्स्ट केस के लिए बार ग्राफ शो हो रहा है ऐसे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो विड्थ है बार की वो डिक्रीज हो गई है 0.7 पे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले केस में जो हमारी टिक्स थे वो सेंटर में अलाइन थे, बट दूसरे केस में जब हमने इसकी अलाइनमेंट को एज पे किया, ये अलाइनमेंट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बार से स्टार्ट हुई। और एक चीज और, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका बॉटम वैल्यू वाई एक्सिस पे 0 था, बट दूसरे केस पे बॉटम वैल्यू 50 है। इस वैल्यू को चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे बॉटम पैरामीटर को पास किया था और वैल्यू को 50 सेट किया। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम बार चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स में। तो बार चार्ट को डिफरेंट कलर में प्लॉट करने के लिए हमें कलर पैरामीटर को पास करना होगा अपने बार फंक्शन में और डिफरेंट कलर्स को सेट करना होगा। और कलर्स को सेट करने के लिए हम कलर का नेम पास कर सकते हैं कलर पैरामीटर में, कलर कोड पास कर सकते हैं और कलर हैश कोड भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप मैन्युअली भी एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं कलर्स के नाम की, या फिर कलर प्लेट्स यूज कर सकते हैं जो मैटप्लॉटलिब में अवेलेबल होती हैं अंडर कलर मैप फंक्शन में। और आप मैटप्लॉटलिब का गेट अंडरस्कोर सी मैप फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि हम कैसे मैटप्लॉटलिब की हर बार का कलर चेंज कर सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सो ये मैंने कोड लिख रखा है जिसमें हम डिफरेंट कलर्स को सेट करेंगे। सबसे पहले मैंने वो लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं जो मुझे चाहिए। सबसे पहले तो मुझे मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी चाहिए थी, फिर मैंने नमपाई की लाइब्रेरी भी इम्पोर्ट की है और पांडास की लाइब्रेरी भी इम्पोर्ट की है। नमपाई की लाइब्रेरी एज एनपी इम्पोर्ट की है और पांडास की एज पीडी। उसके बाद मैंने अपने डाटा पॉइंट्स को डिफाइन किया है। पहला डाटा पॉइंट मैंने प्लेयर्स लिया है जहाँ पे लिस्ट ऑफ प्लेयर को क्रिएट किया है। और नेक्स्ट मेरा डाटा पॉइंट गोल है तो इसको भी मैंने एज अ लिस्ट लिया है, यहाँ पे एज एन टीजर वैल्यू ऐड की है। अब मैं चाहती हूँ अपने प्लॉट का साइज चेंज करना, उस रीजन से मैंने फिगर फंक्शन को कॉल किया है। उसके बाद मैंने उस फिगर फंक्शन में इस फिग साइज पैरामीटर को कॉल किया है। देन यहाँ पे मैंने पास की है 15 वैल्यू जो एज अ विड्थ सेट होगी इंचेस में और 7 इंचेस वैल्यू एज अ हाइट सेट होगी। देन अब मैं बार चार्ट क्रिएट करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने बार फंक्शन को कॉल किया। सबसे पहले मैंने प्लेयर्स पास किया, इसका मतलब कि ये जो प्लेयर्स है वो एज अ कैटेगरी आर्ग्यूमेंट काम करेगा। नेक्स्ट मैंने वैल्यू पास की है गोल्स, इट मींस गोल एज अ हाइट आर्ग्यूमेंट काम करेगा। देन मैं इसकी विड्थ चेंज करना चाहती थी तो मैंने विड्थ कीवर्ड पास किया और उसकी वैल्यू 0.7 सेट की। अब मैं बार्स की एज कलर को भी चेंज करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने एज कलर पैरामीटर को पास किया और उसकी वैल्यू ब्लू वॉयलेट सेट की।
अब मैं चाहती हूँ कि हर बार का कलर डिफरेंट हो, इसलिए मैंने एक लिस्ट क्रिएट की और उसमें कलर डिफाइन किए। पर ये नंबर ऑफ कलर्स और नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स ये सेम है। देन मैं बार की लाइन विड्थ चेंज करना चाहती हूँ, इसलिए लाइन विड्थ पैरामीटर को पास किया और उसकी वैल्यू 2 सेट कर दी। अब टाइटल ऐड करने के लिए टाइटल फंक्शन को ऐड किया और उसका फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए फॉन्ट साइज पैरामीटर को पास करके उसकी वैल्यू 15 सेट की। देन मैं चाहती थी कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे लेबल ऐड हो, तो एक्स लेबल और वाई लेबल फंक्शन को ऐड किया और उसका फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए फॉन्ट साइज पैरामीटर को कॉल करके वैल्यू 15 सेट की और लास्ट में शो फंक्शन को कॉल कर दिया। अब मैं एक और बार ग्राफ बनाना चाहती हूँ इसी फिगर एरिया के अंदर, इसलिए मैंने फिगर फंक्शन को कॉल करके फिक्स साइज फिर से सेट किया। इस टाइम मैंने 15 इंचेस विड्थ रखी और 7 इंचेस हाइट रखी। देन मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नेम था col_math और उसको मैंने इनिशियलाइज किया एक फंक्शन से और उस फंक्शन का नाम है get_cmap और वहां पे मैंने वैल्यू पास की पेयर्ड। ये कलर मैप की वैल्यू है पेयर्ड। देन उसके बाद मैंने बार चार्ट बनाया। बार चार्ट बना के मैंने कैटेगरीज आर्गुमेंट को प्लेयर लिया, हाइट को गोल लिया, विड्थ 0.7 सेट की और कलर की वैल्यू अब मैंने इस कलर मैप वेरिएबल से सेट की, इसलिए मैंने लिखा col_map.colors। इस टाइम मैंने एच कलर को चेंज करके के सेट किया है। के का मतलब होता है ब्लैक कलर। देन मैंने उसके लाइन विड्थ भी चेंज की 2 पे। अगेन मैंने उस पर टाइटल ऐड किया टाइटल फंक्शन को कॉल करके, एक्स एक्सिस पे लेबल ऐड की एक्स लेबल फंक्शन का यूज करके और वाई एक्सिस पे लेबल ऐड किए वाई लेबल फंक्शन का यूज करके और लास्ट में शो फंक्शन को कॉल कर दिया ताकि प्लॉट डिस्प्ले हो सके। अभी मैं आपको इसका आउटपुट दिखाती हूँ। तो ये रहा आउटपुट। तो ये पहला ग्राफ पहले केस से प्लॉट हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैंने कोड लिखा था पहले केस के लिए और ये इसका ग्राफ है। यहाँ पे आप देखें, पहला मैंने रेड कलर सेट किया था तो पहले बार के कलर रेड आई, नेक्स्ट का कलर वाई था मींस येलो तो येलो कलर आया, थर्ड वन जी था मतलब ग्रीन तो थर्ड बार ग्रीन कलर में सेट हो गई और यहाँ पे टाइटल ऐड हो गया टॉप 10 फुटबॉल गोल्स स्कोर्स ऑफ ऑल टाइम और यहाँ पे वाई लेबल ऐड हो गया गोल्स और एक्स लेबल ऐड हो गया प्लेयर। उसके बाद मैंने नेक्स्ट केस के लिए प्लॉट बनाया जो कि इस तरह से दिखा। अब यहाँ पे कलर इसने गेट सी मैप फंक्शन से लिए थे और सी मैप की वैल्यू एज अ पेयर्ड पास की थी, तो इसने ऑटोमेटिकली हर एक के लिए पेयर्ड के अकॉर्डिंग कलर सेट कर दिए। तो इससे हमने सीखा कि कैसे हम मैटप्लॉटलिब की हर बार का डिफरेंट कलर सेट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम बार चार्ट को बना सकते हैं डिक्शनरी को यूज करके। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ जिसको यूज करके हम समझेंगे कि कैसे हम बार चार्ट को डिक्शनरी की यूज से बना रहे हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम बार चार्ट बना सकते हैं डिक्शनरी को यूज करके। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे मैंने कोड लिख रखा है, तो मैंने आपको बताया है कि इस टाइम हम बार चार्ट डिक्शनरी का यूज करके बनाएंगे, इसलिए मैंने जो अपना डाटा है उसको एज अ डिक्शनरी डिफाइन की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेम है वो एज अ की लिए गए हैं और नेक्स्ट यहाँ पे जो गोल्स हैं एज अ वैल्यू लिए गए हैं। आफ्टर दैट मैंने क्या किया है, प्रिंट किया है टाइप कि कौन से टाइप का डाटा है, उसका साइज क्या है ना। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ और आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बता रहा है कि ये डिक्शनरी टाइप का डाटा है और इसका साइज 10 है और यहाँ पे देखें ये डिक्शनरी डिस्प्ले हो रही है, इसका मतलब ये 10 वैल्यूज है। अब हम इस डिक्शनरी को यूज करके बार चार्ट क्रिएट करेंगे। तो बार चार्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया, फिर मैंने फिगर साइज को चेंज करना था तो फिगर फंक्शन को कॉल किया, फिगर साइज पैरामीटर पास किया और उसकी वैल्यू सेट की 15 इंचेस एज अ विड्थ और 7 इंचेस एज अ हाइट। देन मैं हर बार का डिफरेंट कलर सेट करना चाहती थी तो इस रीजन से मैंने get_cmap फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर सी मैप की वैल्यू पास की एज अ tab20c और एक वेरिएबल असाइन किया इस फंक्शन को col_map। देन बार चार्ट को प्लॉट करने के लिए बार फंक्शन को कॉल किया। अब मैंने आपको बताया कि मैं इसको डिक्शनरी के थ्रू प्लॉट करना चाहती हूँ, तो पहले तो हमें कैटेगरीज चाहिए होती हैं। कैटेगरीज के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे जो ये नेम लिखे हैं ये हमारी कीज़ हैं,
इसको मैं अपना कैटेगरी बनाना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो डिक्शनरी का क्रिएट किया था वेरिएबल, उसका नाम था डाटा अंडरस्कोर डिक। फिर उसको मैंने एज ऑब्जेक्ट इसको एक्सटेंड किया विद कीज फंक्शन के साथ। इसका मतलब ये कैटेगरीज लेगा इसकी कीज, उसी तरह से हाइट ये डिक्शनरी की वैल्यूज को लेगा। देन मैंने इसकी बार की विड्थ चेंज की और सेट की इसको 0.7। फिर मैंने कलर पैरामीटर पास किया ताकि हर बार का डिफरेंट कलर सेट किया जा सके, और इसमें जो वेरिएबल डिफाइन किया था ऊपर उसको असाइन किया। अब मैं चाहती हूँ कि इसके एज कलर भी चेंज हो जाए और मैरून सेट हो जाए, और लाइन विड्थ जो बार की है चेंज होके 2 सेट हो, इसलिए लाइन विड्थ पैरामीटर पास करके उसकी वैल्यू 2 सेट की। देन उसके बाद मैंने टाइटल ऐड किया, टाइटल फंक्शन यूज करके। एक्स एक्सिस पे लेबल ऐड किया एक्स लेबल फंक्शन को यूज करके। वाई एक्सिस पे लेबल ऐड किया वाई लेबल फंक्शन यूज करके, और लास्ट में प्लॉट को शो कर दिया। अब मैं इस कोड को भी एग्जीक्यूट करती हूँ और आपको आउटपुट बताती हूँ। ये देखो आप, ये ग्राफ शो कर रहा है, हर बार का डिफरेंट कलर है। एक्स एक्सिस पे नेम्स शो हो रहे हैं प्लेयर के, और ये वाई एक्सिस पे गोल्स शो हो रहे हैं, और यहाँ पे हेडिंग शो हो रही है टॉप 10 फुटबॉल गोल स्कोर्स ऑफ ऑल टाइम। तो इससे हमने सीखा कि कैसे हम बार चार्ट बना सकते हैं डिक्शनरी का यूज करके। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम बार चार्ट बना सकते हैं पांडास का डाटा फ्रेम यूज करके। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डाटा फ्रेम यूज करके बनाना चाहती हूँ बार चार्ट, तो मैं पहले डाटा फ्रेम क्रिएट करती हूँ। उसके लिए मेरे को numpy और पांडास लाइब्रेरी चाहिए थी, उसको मैंने इम्पोर्ट किया। आफ्टर दैट मैंने डाटा कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन किया। तो सबसे पहले मैंने प्लेयर्स वेरिएबल लेके उसको एज अ लिस्ट ऑफ अ प्लेयर वैल्यू असाइन की। उसके बाद मैंने गोल्स वेरिएबल लिया और गोल्स की वैल्यू असाइन की। जो मैंने डाटा डिफाइन की है अब उनको मैं डाटा फ्रेम में चेंज करना चाहती हूँ। तो अब मैंने क्या किया, डाटा फ्रेम में चेंज करने के लिए पीडी डॉट डाटा फ्रेम फंक्शन का यूज किया, और एज अ डिक्शनरी इसको सेट किया। प्लेयर्स को प्लेयर्स से वैल्यू ली और गोल्स पास किया और एज अ की, और उसकी वैल्यू गोल्स वेरिएबल से ली। फिर मैंने प्रिंट किया इसमें कि किस टाइप का है और क्या इसका साइज है। देन अगेन क्या किया, एक df2 नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, और df को और इस डाटा फ्रेम को और उस डाटा फ्रेम का इंडेक्स चेंज किया बाय यूजिंग द सेट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन, और उसको सेट किया प्लेयर्स पे। अगेन मैंने उसका प्रिंट किया टाइप और उसका साइज। अब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ और शो करती हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट केस के लिए बता रहा है कि टाइप पांडास है ये डाटा फ्रेम, और साइज इसका 10 रोज और 2 कॉलम्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बता रहा है प्लेयर्स और गोल्स, बट आप देखो यहाँ पे ये 0, 1, 2, 3, 4 आगे इंडेक्स नंबर भी शो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट केस में मैंने इंडेक्स को चेंज कर दिया प्लेयर्स पे, इसलिए यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 को शो नहीं कर रहा है, और टाइप तो ये डाटा फ्रेम ही है, और साइज इसका क्या है 10 रोज और 1 कॉलम। तो अब हम इसको यूज करके बार चार्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैंने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, फिर फिगर का साइज चेंज करने के लिए फिगर फंक्शन को कॉल किया, फिक्स साइज पैरामीटर पास किया, 15 इंचेस एज अ विड्थ सेट की और 7 इंचेस एज अ हाइट सेट की। देन ये मैं चाहती थी कि हर बार का डिफरेंट कलर हो, इसके गेट अंडरस्कोर सीमैप फंक्शन को कॉल किया, वैल्यू एज अ टैब 20 सेट की, और एक वेरिएबल असाइन किया इसको col_map। देन अब मुझे बार चार्ट क्रिएट करना था, इसलिए बार फंक्शन को कॉल किया। अब कैटेगरीज में मुझे प्लेयर चाहिए थे, इसलिए मैंने df वाले डाटा फ्रेम का प्लेयर्स को पिक किया एज अ कैटेगरी, और df डाटा सेट के गोल्स को मैंने एज अ हाइट सेट किया। अब विड्थ चेंज की 0.5, कलर को असाइन किया कलर मैप वेरिएबल जो ऊपर क्रिएट किया था, फिर उसके बाद इसका एज कलर चेंज किया मैरून, और लाइन विड्थ को भी सेट किया 2। देन मैंने टाइटल ऐड करने के लिए टाइटल फंक्शन को कॉल किया, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लेबल ऐड करने के लिए एक्स लेबल और वाई लेबल फंक्शन को कॉल किया, और लास्ट में शो फंक्शन कॉल किया। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, इस टाइम डाटा फ्रेम df2 डाटा फ्रेम का यूज करके बनाया। इसके लिए मैंने फिर से फिगर फंक्शन कॉल किया, पिक साइज चेंज किया, अगेन मैंने कलर सेट करना था डिफरेंट बार्स के लिए, गेट अंडरस्कोर सीमैप फंक्शन को कॉल करके उसकी वैल्यू पेयर्ड सेट की, और असाइन कर दिया एक वेरिएबल को col_map में। फिर मैंने बार क्रिएट किया,
पर इस टाइम मैंने df.2 इंडेक्स वैल्यू ली और df.2 गोल्स वैल्यू ली। df2 डॉट इंडेक्स एज अ कैटेगरी थी और df2 डॉट एज अ गोल थी। तो यहाँ पे आप जानते हैं इसकी इंडेक्स वैल्यू df2 में हमने एज अ प्लेयर ही सेट कर दी थी, तो इट मीन्स ये प्लेयर ही पिक करेगा। विड्थ इस टाइम मैंने 0.5 सेट की, कलर वेरी कीवर्ड का यूज करके डिफरेंट कलर्स को सेट किया फॉर डिफरेंट बार्स। एज कलर को मैंने ऑलिव सेट किया और लाइन विड्थ को 3 सेट किया। अगेन टाइटल ऐड किया, एक्स एक्सिस पे लेबल ऐड किए, वाई एक्सिस पे लेबल ऐड किए, एक्स लेबल वाई लेबल फंक्शन का यूज करके और प्लॉट को शो किया। अब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ इस कोड को। अब आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे प्लेयर्स हैं, वाई एक्सिस पे गोल्स हैं और टॉप पे हेडिंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हर बार का एज कलर मेरून है, लाइन विड्थ 2 सेट है और हर बार का डिफरेंट कलर है अकॉर्डिंग टू द इसके टैब 20। अब नेक्स्ट केस में भी प्लेयर्स लिया इसने, क्योंकि df2 में जो इंडेक्स को हमने क्या सेट कर दिया था, प्लेयर्स, इसलिए कैटेगरीज पे क्या हुआ, प्लेयर्स ही आए और वैल्यूज एज अ गोल आई। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बार का एज कलर ऑलिव सेट है और उसकी लाइन विड्थ जो है 3 सेट है। तो इससे हमने सीखा कि कैसे हम बार चार्ट बना सकते हैं डाटा फ्रेम का भी यूज करके। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम बार चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं विद डेट्स। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है। सबसे पहले तो मैंने इंपोर्ट किया है लाइब्रेरी पांडास एज पीडी, फिर उसके बाद मैंने डाटा सेट को इंपोर्ट किया है। तो मैंने डाटा सेट जो इंपोर्ट किया है उसको, उसका नाम है data_record.csv और इंपोर्ट करने के लिए डाटा सेट को मैंने read_csv फंक्शन का यूज किया है। और ये डाटा सेट ऑलरेडी मेरे जुपिटर पे पड़ा है, इसलिए मैंने पाथ को असाइन नहीं किया है। अगर ये डाटा सेट आपके कंप्यूटर में किसी और लोकेशन पे पड़ा है तो आपको फुल पाथ असाइन करना पड़ेगा, तभी ये डाटा सेट फेच किया जाए। उसके बाद मैंने हेड फंक्शन का यूज करके टॉप 5 वैल्यू इस डाटा सेट की शो की है। देन मैंने इस डाटा सेट को कन्वर्ट किया है डेट टेम्प पे। इसके लिए मैंने to_date_time फंक्शन को कॉल किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट जो वहाँ पे कॉलम था उस डाटा सेट का उसको पास किया है। देन मैंने सॉर्ट किया है इसको असेंडिंग ऑर्डर में, उसके लिए फंक्शन यूज किया है sort_value और किसको सॉर्ट किया है, डेट्स को सॉर्ट किया है, इसलिए यहाँ पे लिखा है बाय डेट। उसके बाद मैंने डाटा कॉलम को एज द इंडेक्स ऑफ द डाटा फ्रेम सेट किया है, इसलिए मैंने set_data set_index फंक्शन को कॉल किया है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पास करते हैं उस कॉलम का नेम जिसको हम एज इंडेक्स सेट करना चाहते हैं, तो वो डेट था इसलिए मैंने डेट पास की। देन उसके बाद मैंने एक न्यू डाटा फ्रेम जो क्रिएट हुआ उसको प्रिंट किया है और मैंने उसकी टॉप 5 वैल्यू प्रिंट की है बाय यूजिंग द हेड फंक्शन। और आफ्टर दैट मैंने एक सबसेट पिक किया है उस डाटा फ्रेम में से बाय ईयर ऑफ 2014 और मैंने उसको पिक करने के लिए sales_df जो कि मैंने वेरिएबल असाइन किया था इस डाटा सेट को फेच करते टाइम, उसको कॉल करके वैल्यू पास की है 2014 और उसको भी प्रिंट कर दिया है। मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ और आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा डाटा सेट शो हो रहा है, इसकी टॉप 5 वैल्यू शो हो रही है। वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और 4 पे एंड होती है, इसलिए 5 वैल्यूज है 0, 1, 2, 3, 4, 5। सो डेट शो हो रही है, प्राइस, बेडरूम, बाथरूम एक्सेट्रा, सभी चीज़ें इस डाटा फ्रेम की शो हो रही हैं। अब हम इस डाटा सेट का यूज़ करके ग्राफ बार चार्ट प्लॉट करना सीखेंगे डेट्स के साथ। तो उसके लिए डाटा बार चार्ट प्लॉट करने के लिए हमें मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी चाहिए, इसलिए मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। फिर मैं फिगर के साइज को चेंज करने के लिए फिगर फंक्शन को कॉल करके फिगर साइज पैरामीटर को पास करके उसकी विड्थ को 10 इंचेस सेट किया है और हाइट को 8 इंचेस। अब मैं हर बार का डिफरेंट कलर सेट करना चाहती थी, इसके get_cmap फंक्शन को कॉल करके वैल्यू एज अ पेयर्ड सेट की है और एक वेरिएबल असाइन किया है। नेक्स्ट द मेन जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, बार को प्लॉट कर रहे हैं। अब बार प्लॉट करने के लिए कैटेगरीज चाहिए, तो कैटेगरीज मैंने इंडेक्स कॉलम को बनाया sales2014.index। आप देखेंगे ऊपर इस इंडेक्स को मैंने एज अ डेट ही चेंज कर दिया था,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेट अंडरस्कोर इंडेक्स को यूज करके मैंने इसको एज अ डेट सेट किया था, इसलिए ये डेट को प्लॉट करेगा एज अ कैटेगरी। देन एज अ हाइट मैंने फ्लोर्स वैल्यू को पास सेट किया है, मींस फ्लोर कॉलम्स की वैल्यू को सेट किया है। विड्थ इसकी चेंज की है 5 पे। कलर सेट किया है ईच बार का डिफरेंट, इसलिए कॉल अंडरस्कोर मैप डॉट कलर्स को असाइन किया है इस कीवर्ड पे। देन एज कलर सेट किया है मैरून, और लाइन विड्थ जो बार्स की है उसको 2 पे सेट किया है। टाइटल ऐड किया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। लेबल ऐड किया है एक्स लेबल वाई लेबल फंक्शन का यूज करके, और जो इसके एक्स टिक्स और वाई टिक्स हैं उसकी फॉन्ट साइज को चेंज किया है, इसलिए फॉन्ट साइज पैरामीटर इसमें पास किया है। एक्स टिक्स के फॉन्ट साइज की वैल्यू 14 सेट की है और वाई टिक्स के फॉन्ट साइज की वैल्यू 18 सेट की है। लास्ट में शो फंक्शन को कॉल करके ग्राफ को डिस्प्ले किया है। अब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ इस कोड को, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये हाउस प्रेडिक्शन का बार चार्ट है जो शो हो रहा है। वाई एक्सिस पे ये फ्लोर्स बता रहा है और एक्स एक्सिस पे डेट है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसके बार का एज कलर है वो मेरून कलर का है, और इसकी जो विड्थ साइज है वो 5 सेट है, और लाइन विड्थ है जो इसकी 2 सेट है। तो इससे हमने सीखा कि बार चार्ट को डेट्स के साथ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो आज की इस पूरी कंप्लीट वीडियो में हमने बार चार्ट को प्लॉट करना सीखा मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये आपको लगा हो कि हेल्पफुल है तो लाइक बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।